In the Fantasy Football League, the annual team draft was approaching, and Coach Arjun was eager to form the perfect squad for the upcoming season. He shortlisted five players, ABMAS. Based on their performance stats over the last few months, Coach Arjun set a training schedule requiring each player to participate in daily practice sessions to refine their skills. After the training period concluded, Coach Arjun evaluated the number of sessions each player attended. It was observed that each player attended between 20 and 40 sessions. हर प्लेयर ने 20 से 40 सेशंस लिए हैं बीच में, है ना? इनके बीच की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक बात है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? विद नो टू प्लेयर अटेंडिंग द सेम नंबर ऑफ सेशंस, द अटेंडेंस मस्ट वर नंबर्स वर डिस्टिंक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि अमन ने सबसे ज्यादा अटेंड किए होंगे, फॉलोड बाय बिमल, मुकुंद, अभिनव एंड श्रीराम। ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। द टेबल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लॉजिक सिखाएगा बच्चों। द टेबल बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशन अटेंडेड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्लेयर टेकन एट ए टाइम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब किसी भी तीन लोग का मिलाकर 101 होना चाहिए, और किसी भी तीन का नहीं है, ये टॉप थ्री का है। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। मतलब दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इज 101, एंड दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इज 99। ये दो से कम क्यों हो गई? क्योंकि एम और ए में दो का डिफरेंस था। दिन में दो का डिफरेंस रहा होगा भाई, सीधी सी बात है। नहीं समझे बात? नहीं समझे? नहीं समझे? किस किस को दिक्कत है बोलो बेटा। जब मैंने ए बी सी को लिया तो 101 आ रही थी वैल्यू, टॉप थ्री तो ए बी सी ही है, और जब मैंने ए बी डी को लिया तो ये 99 हो गई। तो क्या इसे मैं कह सकता हूँ कि सी माइनस डी इक्वल टू टू, इन दोनों में टू का डिफरेंस था? बोलो हाँ या ना। यस सर। बहुत ही बढ़िया समझते हो बच्चों। अब जो चीज ये क्वेश्चन सिखाएगा वो ये है कि लास्ट के तीन का सम कितना दे रखा था? 77 77। ठीक है यार, 77 दे रखा था। यदि आप लोग कहो तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2x - 2 + y = 77 सर। लिख दूं? यस सर। तो 2x क्यों आया हो? बेटा ये दोनों को, इन तीनों को ऐड कर रहा हूं ना, यस सर। है ना? 2x प्लस सर वाई इज इक्वल टू 79। उनका पेयर कैसे चला रहे हो वो हाँ समझ। सर, ये एक्स एक्स माइनस टू वाई कैसे वेरी गुड लिया अपन ने? वेरी गुड वेरी गुड, गुड क्वेश्चन बेटा। देखो मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो हाँ सर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना, तो सबसे टॉप स्कोर कब आएगा? जब एक्चुअली टॉप थ्री को लोगे। हाँ सर। बॉटम स्कोर कब आएगा? जब बॉटम थ्री को लोगे। समझे वेदांत? अभी क्लियर हुआ दीक्षा? तो सर। ये ऑर्डर में है बेटा। देखो एक बात यहीं पे डिस्कस करते हैं अपन। टॉप थ्री कौन कौन होंगे बताओ मुझे। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? ABM AM, B और M। सेकेंड नंबर पे कौन तीन का कॉम्बिनेशन होगा? BM और A, AM B और AM, अभी। B और अभी को ले लो। अब आपने क्या किया, जो तो आपका सबसे गंदा प्लेयर था ना तीनों में, इन तीनों में सबसे गंदा था, उसको हटा के उसके नीचे वाला ले लिया। थर्ड नंबर का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? AM, B और S। जो ये चीज समझ गया उसके लिए क्वेश्चन खत्म है, ये खत्म है। बताओ समझे नहीं समझे? समझ हाँ गया। समझ तो स्कूल गया, समझ आ गया। इस बच्चे को डाउट है तो रोक दो अभी भी, मैं और समझा दूंगा। समझ गया? नहीं, टॉप थ्री बॉटम थ्री कैसे डिसाइड कर रहे हैं अपन? अरे यार हाँ या ना बोल दिया करो, हाँ मुझे तो सर। रिप्लाई कर। हाँ सर, समझ गए। समझ गए ना? अब देखो, अब मेरी बात सुनो ढंग से। ये समझ में आया था आपको? ये 2x - 2 + y ये बॉटम थ्री का स्कोर है,
सर मैं यही पूछ हाँ रही हूँ, सर, तुमने एक्स एक्स माइनस टू और वाई क्यों लिया? वाई कुछ क्या मालूम है, वाई मान लिया भाई, इन दोनों का तो रिलेशन मिल गया था ना, एक्स और एक्स माइनस टू। हाँ सर, ये कहाँ से मिला अपन को? ये बेटा इससे मिला ना कि जब मैंने 101 इसका स्कोर था और 99 इसका था, तो ये 2 से कम क्यों हो गया? मैंने तो केवल एक ही चेंज किया है ना, एम की ओके जगह राइट, ए बी लिया है, 2 से कम क्यों हो गया? इसका मतलब एबी ठीक का है, स्कोर उससे 2 कम होगा, ठीक है? दो काम है, ठीक है, तो इससे बच्चों मेरी इक्वेशन आ गई है, 2x+y इज इक्वल टू 79। हाँ सब बढ़िया, ये समझ में आ गया, 2x+y इक्वल टू 79, ये लिख देता हूं मैं एक बार। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, ये तो सबसे गंदा स्कोर था, 10th नंबर का स्कोर था, किस किस को लेना, एम को लेना, ए बी को लेना और एस को लेना, तो 9th नंबर पे क्या स्कोर होगा? बी अभी और एस एम को हटा के बी को ले लो, और जिन बच्चों को डाउट है उनके लिए मैं एक चीज करके दिखाता हूं, 1 ये 5 4 3 2 1 का स्कोर है बच्चों, सबसे गंदा स्कोर क्या होगा? ये 3 6 का, समझ में आया? हाँ सर, यस इससे जस्ट बेटर स्कोर क्या होगा? ये, और 3 की जगह 4 ले लो, 7 का, उससे और हाँ बेटर करना है तो ये 4 हटा के 5 ले लो, 8 का, और ज्यादा इंप्रूव करना है स्कोर को। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहले 3 को हटाया था ना, अब मैं 2 को हटा दूंगा, 1 को लो 3 को लो 4 को लो, वो तो कितना हो गया, 8 का, और इंप्रूव करना है तो 4 की जगह 5 ले लो, कितना हो गया, 9 का। तो बेसिकली जैसे जैसे अपन बड़ी वैल्यू लेते रहेंगे छोटी को हटा के, वो स्कोर बढ़ता रहेगा, ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, आप मेरे सो को एक बात का जवाब दे देना, यदि ये बात समझ में आ रही है, बच्चों वाला क्वेश्चन है और इससे इजी क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता है कभी, मेरे को एक बात का जवाब देना, बॉटम 3 का स्कोर कितना है, 77 और उससे जस्ट एक वैल्यू चेंज करने पे। अच्छा बॉटम 3 में कौन कौन ले रहा था, मैं एस को ले रहा था, उसको ऑब्वियसली सबसे गंदा स्कोर है तो एस को लूंगा, अभी को लूंगा और एम को लूंगा, ये मेरे को दे रहा था 77, और इससे बेटर जस्ट बेटर स्कोर क्या होगा, जस्ट बेटर, एस अभी और बी का 82। वेरी गुड, जिसने बोला वेरी गुड, एस अभी और एम को हटा दो और उसकी जगह बी ले लो, कितना हो जाएगा, 82। अरे भाई ये 82 कैसे हो गया, क्या मैं कह सकता हूं कि बी जो है वो अभी से 5 ज्यादा है, ज्यादा है, हाँ तो ये सर, एक्स से 5 ज्यादा है, तो क्या मैं यहाँ पे सिक्स एक्स प्लस प्लस फाइव लिख फाइव आ सकता गया हूँ? बी। समझ में आया है नहीं आया? आया सर, आ हाँ गया सर, यस सर, अरे भाई साहब क्वेश्चन खत्म हो गया यार। अब तुम्हें एक बार एक्स की वैल्यू, अपन को रेंज भी पता है, क्या रेंज है एक्स की वैल्यू की, 20 से 40, ठीक है? कंडीशन इज वाई शुड बी लेस देन एक्स, क्योंकि वाई एक्स के बाद आ रहा है, इनफैक्ट वाई शुड बी लेस देन एक्स माइनस टू, ये बात समझ में आई, एक्स माइनस टू से भी छोटा है ना वाई, तो यस सर, बस खत्म कर दिया बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन, बोल दो अब क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, बोल दो। तुम ना बोलोगे यार, एक्स को बड़ी से बड़ी वैल्यू देता हूं मैं तो, 40 देता हूं, तो 39 देनी पड़ेगी थर्टी बिटवीन नाइन दे में। दो, तो वाई कितना आ गया, 1, हाँ बढ़ अलाउड है जाएगा, क्या? अरे नहीं वाई 1 थोड़ी, 20 कम से कम स्कोर है, 38 नॉट अलाउड, एक्स को 30 दे दो तो भी वाई 99 अलाउड है क्या? नो सर, नो सर, एक्स को 29 दे दो, वाई कितना आया, 21 अलाउड है क्या? हाँ सर, अरे हो गया, ये लो क्या बात कर रहे थे तुम लोग, खत्म कर दिया तुम लोगों ने। तो अब अपन क्या करते हैं, अच्छा आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली केस है ना, पर एक बात लिखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी ली अपन ने, 29, ये कितना हो गया 34, ये कितना हो गया 27, वाई कितना हो गया 21, टॉप 3 का स्कोर कितना था 101, उसमें से कितना हो चुका है अपना 63,
बचा कितना है? 38। अरे यार खत्म कर दिया। ठीक बात है। सर आपने हाँ वाई की वैल्यू अभी हिडन ट्रायल से ली ना? मतलब लॉजिकल रिटर्न ट्रायल है, क्योंकि कंडीशन है ना बेटा अपने पास कि वो 20 से 40 की रेंज वाली। चलो एक बार एक्स को 28 भी लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है? एक्स को 28 लिया तो वाई कितना हो गया बेटा? 23। करके देखें एक बार इससे सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। एक्स को लिया 28, एक्स माइनस 2 26, वाई 23, ये एक्स प्लस 5 है 33, और इन तीनों का सम होना चाहिए था अपना 101। 101 में से कितना हो चुका है? 61। इसका कितना होगा? 40। हाँ ठीक है बच्चे, इसके क्वेश्चन देखो मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। इसमें सर देखो बच्चों, तो ये दो केसेस बन रहे हैं, पर क्योंकि यहां पे बिटवीन वर्ड यूज किया गया है तो ये लेना नहीं चाहिए था, बट जो आई थिंक इन्होंने आंसर्स दे रखे हैं वो दोनों के हिसाब से दे रखे हैं, तो ये गलत है। बिटवीन का मतलब क्या हुआ? 20 और 40 के बीच की वैल्यू लेनी है, बीच की लेनी है तो आप 40 नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसका, है क्या किसी के पास ओपन? चलो मैं खोलता हूं, ये रहा। ये रहा, हाउ मेनी वैल्यूज आउट ऑफ 27 29 31। अब देखो एक ही केस होता ना तो ये पॉसिबिलिटीज की बात ही नहीं करते। मुकुंद के लिए पूछ रहे हैं 27 29 31 में से क्या क्या हो सकता है। मुकुंद के लिए 29 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, आंसर 29 होना चाहिए था। 1 करेक्ट आंसर है। इफ अभिनव वॉज, इफ आ गया, इफ क्यों आ गया भाई? क्योंकि दोनों केस कंसिडर कर रहे हैं, विच आई थिंक इज रॉन्ग। 40 वाला केस नहीं लेना चाहिए था। हिमांशी एकदम सही बोल रही है, बिटवीन है। आया समझ में बच्चों? यस सर, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन इजी था मेरे हिसाब से, डायरेक्ट है, कुछ ज्यादा यस है नहीं। सर, बस पे समझने वाली जो चीजें थी वो ये थी कि टॉप 3 कैसे लिए जाते हैं, सेकंड नंबर वाला कैसे आएगा, ये था। कोई डाउट है तो बोल दो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो सर।